विवेक जी के लिए विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा। ये लोग कहते थे कि धर्म एक अफीम है। आज जो सूर्य तिलक हुआ है उसमें तीन बड़े इंस्टीट्यूट का योगदान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर जिसने पूरे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट किया, फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की जिसने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को मॉड्यूलेट किया, और फिर एक प्राइवेट कंपनी इसने कॉन्वेक्स लेंसेज का पैटर्न बनाई है। तो आज है विवेक जी, आप जिस धर्म को अफीम कहते हैं उस देश में कोणार्क के सूर्य मंदिर में ये सारी चीजें अपने आप होती थी जब कोई सैटेलाइट नहीं था। ओके, वेद नारायण का मंदिर है आंध्र में, वहां ये था। महालक्ष्मी का मंदिर कोल्हापुर में, वहां ये था। श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीने में अलग अलग सूर्य। विवेक श्रीवास्तव, मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख कर रही हूं। विवेक श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं आपकी बातों को झूठा साबित कर दिया, ये अफीम नहीं है, इसका अपना ट्रैक है, और अब तो साइंटिस्ट भी आ गए हैं। आप कह रहे थे कौन इंजीनियर आएगा, एलएनटी ने बनाया है सर मंदिर, कितनों को रोजगार दिया आपको पता है ना, प्रभु राम के मंदिर ने। एक बार एक डिबेट के अंदर हम और सुधांशु त्रिवेदी दोनों साथ में थे, तो चैरियट्स ऑफ द गॉड का इन्होंने एक मेंशन किया था किताब का, एरिक वॉन डैनिकन की, जिसको हम लोगों ने स्कूल के समय में पढ़ा था। तो उस किताब को फिर से याद करिए सुधांशु त्रिवेदी जी, उस किताब के अंदर सिर्फ इंडिया ही नहीं, साउथ अमेरिका, अनेकों देशों की अनेकों संस्कृतियों का विश्लेषण और उसको मेंशन किया गया था। इतिहास एक चीज होता है, इतिहास को लेकर के आप इमिग्रेशन की फोन आपका मेरे ख्याल से सिग्नल ब्लॉक ना करें, दूसरे कल्चर धर्मों के लोग का कंट्रीब्यूशन है, जिनका एक कंट्रीब्यूशन है उसको आप एक्नॉलेज ना करें तो ये गलत है। इमिग्रेशन की थ्योरी को भी आपको मानना पड़ेगा। आप वन कल्चर वन नेशन वन लैंग्वेज वन पीपल की थ्योरी, जो एक फासीवादी थ्योरी है, उसके हिसाब से देश को चलाएंगे, देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिटलर भी आए थे, पॉपुलर होकर के आए थे, इलेक्शन लड़ करके जीत करके आए थे, लेकिन देश को गलत दिशा में ले गए। Okay. आपकी थ्योरी जो देश को चलाने वाली है वो हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस है कि नहीं है? इस्लाम, कुरान, इस्लामिक लीडर सर, तो किसने आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस नेशन एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड। नहीं, आरएसएस नहीं मानती, आरएसएस डजंट। अरे आरएसएस, मैं जा रही हूँ सर, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, और कितने ऐसे मुसलमान हैं इस बात को, इस्लाम एंड कुरान एंड एंड टू द कल्चर। ओके ओके ओके, आई राइट अवे पुट योर क्वेश्चन। सुधांशु जी कर लेंगे तो कहेंगे आरएसएस को एक्नॉलेज करने दो। सुधांशु जी, नहीं, मानूंगा मैं कुछ भी होऊंगा, आई विल बी हैप्पी इफ इट डजंट। हेट्रो, सुनिए मानवर, हेट्रोजेनिटी जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म और संस्कृति में है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मैं अनेक बार कह चुका हूं, भगवान राम एक ऐसे भगवान है जिसे उस हिंदू धर्म को न मानने वाले भी मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का एक बात देश जहां पर डे रामायण आती है वो है इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में देखे तो रामायण बनाई जाती है और सब मुसलमान होते हैं, उसके पात्रों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई, पूरी बात सर, पूरी पूरी बात, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अगर कोई एक देश है जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द टेंथ, वो है थाईलैंड, हिंदू देश नहीं है। एक देश जहां की फर्स्ट लेडी कहती है उनकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया, वो हिंदू देश नहीं है। और सुनिए, पूरा हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था यूरोप में, वहां पर वो पूरे उसको मानते थे वो हिंदू देश। उत्तर दीजिए आप, और जो आपने कहा अन्य संस्कृतियों की तुलना की बात, तो मैं कहना चाहता हूँ वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिकल साइंटिस्ट थे कार्ल सेगन, उनका वीडियो कोई जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा कि ओनली द एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। उन्होंने कहा बाकी सभ्यता संस्कृतियों ने, किसी ने कहा दुनिया 14